नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जिन बच्चों का एक गोल्स होता है, सपना होता है कि हमें भी एक जिला अधिकारी बनना है, तो कैसे बन सकते हैं, बट उन्हें रूल और रेगुलेशन नहीं पता होता है जिनके माध्यम से वो भटकते रहते हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप के बारे में बताऊँगा कि कैसे क्या करना है, किन चीज़ों को फॉलो करनी है। चलिए बिना टाइम पास किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों, जैसे ही आपका इंटर कंप्लीट हो चुका है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ही डजेंट मैटर। तो यहाँ से जैसे आपका इंटर कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ से आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी है। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, चाहे आप बीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, या बीटेक कर सकते हो, कोई भी चीज़ कर सकते हो। फिर जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका, और हाँ, आपको ग्रेजुएशन से ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है, तभी आप एज सून एज पॉसिबल कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अब यहाँ से आपका शुरू होता है मेन स्टेप। तो देखिए, उन पदों पर पहुँचने के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। यूपीएससी सीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आपको कंडक्ट करना है। नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं। तो देखिए, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, अब यहाँ से आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होता है, यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम देना होता है, बट लोग उसे यूपीएससी ही कॉमन कहते हैं। तो आपको ये जो एग्ज़ाम होता है वो तीन स्टेज में होता है। फर्स्ट होता है हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, दूसरा होता है हमारा मेंस का एग्ज़ाम, और तीसरा होता है इंटरव्यू का एग्ज़ाम। तो इन तीनों एग्ज़ामों को आपको क्वालिफाई करना है, बट इन एग्ज़ामों के अंदर भी हमें एग्ज़ाम देना होता है। सोचिए, प्रीलिम्स में हमें दो एग्ज़ाम देना है, एक हमारा होता है जीएस का, दूसरा होता है सीसेट का। आपको दोनों को क्वालिफाई करना है, और फिर जैसे ही आपका प्रीलिम्स कंप्लीट होता है, अब यहाँ से आप पहुँचे हो गए सेकेंड स्टेप पर, जो कि मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस के एग्ज़ाम में आपको हर एक पेपर को क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई के साथ साथ आपको बेस्ट नंबर भी लाने हैं अच्छे से, तभी आप उस पोस्ट पे जा सकते हो, वरना कोई दूसरा पोस्ट मिल सकता है आपको। फिर मेंस में कितने एग्ज़ाम होते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक हिस्से का एग्ज़ाम होता है, दो ऑप्शनल का एग्ज़ाम होता है, और जो चार होते हैं वो जीएस के एग्ज़ाम होते हैं चार, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप ना होकर लिखित होता है। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका मेंस कंप्लीट होता है, अब यहाँ से आप पहुँचोगे लास्ट स्टेप पर, जिसको कहते हैं पीटी, पर्सनल टेस्ट या इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू देने जाना है जैसे ही आपका मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, अच्छे से अगर रैंक आ गया, तो आप उन पोस्ट पर पहुंच सकते हो। बट जिन हिसाब से मैंने बोला कि आपको इन एग्ज़ाम को क्रैक करना है, क्वालिफाई करते आना है, वो इतना आसान नहीं है। इसके लिए प्रिपरेशन आपको ग्रेजुएशन से ही करना है, और हर एक चीज़ को आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना है। और एक चीज़ और है कि अगर आप इंटर में फेल भी हो चुके हैं, तो ही डजेंट मैटर, आप फिर भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो, तो मैं इंस्टाग्राम पे अपना आईडी लिंक शेयर कर सकता हूँ, वहाँ से आप हमसे एनीवन क्वेश्चन को, जो भी डाउट है, आप वहाँ हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर वीडियो या नॉलेज पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।